हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और मैदानी राज्यों के मुकाबले ये राज्य भौगोलिक दृष्टि से भिन्न है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती हैं और अभी हाल ही में कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है, जिसमें कई जिंदगियां मौत का शिकार हो गई। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। प्रदेश सरकार और विभाग के द्वारा घटना की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं इस सड़क हादसे के बाद मंडी जिला पुलिस विभाग के द्वारा भी ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरती जा रही है और नेशनल हाईवे पर बसों और वाहनों की नियमित चेकिंग की जा रही है, ताकि वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन कर सके। मंडी जिला पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि जिला के सभी थाना प्रभारी सुपरवाइजर ऑफिसर हैं, उन सबको निर्देश जारी किए गए हैं कि वे नियमित रूप से सड़कों से गुजरने वाले वाहनों की ओवरलोडिंग चेकिंग करते रहें और ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। मंडी जिला पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा का कहना है कि सड़क हादसे के बाद मंडी जिला पुलिस के द्वारा बसों के नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है और ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ताकि प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। हमारे जो सभी जो SHOs हैं और सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ओवरलोडिंग है बसेस में खास करके, उनको चेक करें और रूटीन में रेगुलरली उनको चेक करें, और यदि ओवरलोडिंग पाई जाती है तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये रेगुलर इसको हम चेकिंग करते रहेंगे। उनको डायरेक्शन भी दी गई है, ऐसा नहीं है कि अभी करेंगे, और रेगुलरली ये चेकिंग होती रहेगी और उसमें के जो वायलेशन करेगा उनके चलान भी किए जाएंगे। ऐतिहासिक पटल मैदान में चल रही पुलिस भर्ती निरंतर जारी है। भर्ती के पांचवें दिन 1500 युवाओं को बुलाया गया था। SP मंडी गुरदेव शर्मा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। 20 जून से शुरू हुई पुलिस भर्ती के पांचवें दिन खाकी वर्दी के लिए युवाओं ने खूब पसीना बहाया। सोमवार को भर्ती के पांचवें दिन 1500 युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। इस बार भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है, जिसके लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। साथ ही युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसलिए एडमिट कार्ड भी पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी देते हुए SP मंडी गुरदेव शर्मा ने बताया कि पटल मैदान में चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है। SP मंडी गुरदेव शर्मा का कहना है कि युवाओं में भर्ती को लेकर खासा क्रेज देखा जा रहा है। भर्ती के पहले 3 दिन महिला अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया था, मगर अब पुरुष वर्ग को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। आज भर्ती का जिला मंडी में पांचवा दिन है और आज हमने 1500 कैंडिडेट्स को बुलाया था, तो अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन 1252 हुई है और भर्ती जो है वो जो प्रोसेस है वो रूटीन में चल रही है। नगर निगम धर्मशाला की सुधेड़ स्थित डंपिंग साइट में पुराने डंप कूड़े को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए अब दिल्ली के कंसल्टेंट अपना सुझाव देंगे। अगले सप्ताह दिल्ली से कंसल्टेंट के 2 सदस्य धर्मशाला आएंगे और डंपिंग साइट के निरीक्षण के बाद अपने सुझाव देंगे। सुलगती डंपिंग साइट पर लगातार कवरेज कर इस समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद नगर निगम ने बाकायदा बैठक की और फायर हाइड्रेंट लगाने के साथ साथ पुराने डंप कूड़े को खत्म करने के लिए कंसल्टेंट की सहायता लेने का भी फैसला लिया।
इस बैठक में बकायदा महापौर आयुक्त अधिशासी अभियंता व सफाई निरीक्षण ने मंथन किया था और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि धर्मशाला में हर वर्ष सुलगने वाली डंपिंग साइट इस बार 9 जून से लगातार सुलग रही है। हालांकि अग्निशमन विभाग की 30 गाड़ियों से यहां पानी का छिड़काव किया जाता है और बकायदा 2 कर्मियों का पाइप के माध्यम से बुझाने के लिए भी इंतजाम किया गया है। गौरतलब है कि एसडीएम धर्मशाला ने नगर निगम धर्मशाला को सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत एक नोटिस भी दिया था और नगर निगम को आज तक का समय दिया गया था कि आग पर काबू किया जाए और अगर इस तरह धुआं रहता है तो नगर निगम पर जिला प्रशासन एफआईआर दर्ज करवा सकता है। उसी के मद्देनजर नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त, महापौर, उप महापौर सहित नगर निगम के कर्मचारी डंपिंग साइट पर मौजूद रहे और मीथेन गैस को कम करने के लिए डंपिंग साइट पर पाउडर का छिड़काव भी किया गया।